वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों आज हम लोग एक नया चिन्ह सीखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार चिन्ह। इसकी क्या ध्वनि होती है, इसकी आगर ध्वनि होती है। ये कैसे होता है, जैसे हम इसको ऐसे बनाया जाता है, सिर्फ ऐसे। हमने इससे पहले कौन से चिन्ह सीखे थे, इससे पहले चंद्राकार चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक। और ये कौन सा था, इसको क्या कहते हैं, अनुस्वर। इसको बोलते हैं अनुस्वर, और इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक। और इसको क्या बोलेंगे आज हम, अर्धचंद्राकार। इसकी ध्वनि को क्या बोलते हैं, आगर ध्वनि। तो अंग्रेजी के जो शब्द हिंदी में आते हैं उन पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह होता है, तो उसे क्या, उसे हम लोग कौन सा चिन्ह लगाते हैं उस पर, अर्धचंद्राकार। कुछ शब्द तो अंग्रेजी के जो के त्यों आ जाते हैं, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, सिगरेट। लेकिन कुछ शब्दों को प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत मुश्किल होती है, उसका उच्चारण करने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए उन पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं। इसे क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार, या और इसकी ध्वनि को क्या कहते हैं, आगत ध्वनि। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, हिंदी में अंग्रेजी के आ को प्रकट करने के लिए का चिन्ह लगाए, आगत का चिन्ह लगाया जाता है। हिंदी के आ और ओ ध्वनि का चिन्ह आगत है, माने ये। अब इसको कैसे, कुछ शब्द है जो मैं आपको बताऊंगी और आप मेरे साथ साथ इसे उच्चारित करेंगे। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, इसको ये आ और ओ के बीच की ध्वनि है, कॉटन, हॉकी, गोड, कॉफी, कॉमन, डोल, डॉक्टर, सॉस, सॉस जो हम खाते हैं। अगर हम इस पर चंद्रबिंदु लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सांस। और अगर हम इसकी कोई भी चिन्ह लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सास, मदर इन लॉ। तो अगर हम ये चिन्ह लगा देते हैं तो ये क्या है, सॉस बन गया अंग्रेजी शब्द का। अंग्रेजी में सॉस बोलते हैं, तो हिंदी में कैसे लिखेंगे सॉस को, इस टाइप से, चौक, वाटर, फॉल, मॉल, कॉलेज, फोर, फॉर्म, पॉप, हॉट, हॉल। इसको क्या पढ़ेंगे, कॉटेज, क्लॉक, कॉमन, कॉलम। इसको क्या पढ़ेंगे, डॉलर। तो देखा बच्चों, इस प्रकार से इंग्लिश शब्दों को हिंदी में लिखा जाता है। कुछ बच्चे जैसे इसे लिख देते हैं, कॉलेज, कॉलेज, या फिर ऐसे लिख देते हैं, कॉलेज, ओके, ये लगता, उनको लगता है ऐसे लिखा जाएगा तो वो ऐसे लिख देते हैं, जबकि ये दोनों ही गलत हैं। क्या है, ये दोनों ही गलत है। इसको कैसे लिखेंगे, कॉलेज। बच्चे वाटर लिखते हैं क्योंकि इसके साउंड हमको ओ की जैसे लगते हैं, तो हम ऐसे लिख देते हैं, या फिर हम बच्चे ऐसे लिख देते हैं, वाटर। तो ये दोनों ही गलत है। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश शब्दों को हिंदी में कैसे लिखा जाता है, और वो आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको आएगा, क्योंकि अभ्यास से कोई भी विद्या सरल हो जाती है। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां दूर हो जाएगी। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल और सहज बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति रुझान कम हो गया है वो बढ़े। तो बच्चों आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।